अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चलते हैं अरब कंट्री में जहां ऊँट चराए जाते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा अरब कंट्री में ऊँट कहां चराए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह वीडियो मैं और आगे लाता रहूं। दोस्तों अभी हम कुवैत में हैं, अभी हम चल रहे हैं चपदी। कुवैत में एक एरिया का नाम है चपदी, वहाँ पे ऊँट भेड़ बकरी जानवर पाले जाते हैं। तो वहाँ पे दो आदमी हैं देखभाल करने वाले, तो हम चलेंगे जहाँ पे ऊँट पालते हैं। रात में पालती है जाकुर में, इसलिए मुझे सामान लेके भेजा है, सामान ड्राइवर को ले जाना पड़ेगा। सामने रेड सिग्नल है, और ये देखिए सामान, पानी की बोतल और पीछे फल फ्रूट अंडे, और पीछे पूरी गाड़ी फुल है सामान से। तेज कोती लोग जाएंगे वहाँ पे, खाएंगे पियेंगे, जो बचेगा जो वहाँ पे आदमी रहते हैं उनको दे आएंगे। कोती लोग महीने में 2 या 3 बार जाते हैं। जाकुर में मार्केट नहीं होती, तो यहाँ पे दुकानें होती हैं ऐसी, यहाँ पे ऐसी दुकानें होती हैं। एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर सामान भरा हुआ है, बेचते हैं रोड के साइड में। यहाँ पे मार्केट है लेकिन दूर मार्केट है, इसलिए आदमी परेशान हो जाते हैं। जाकुर कोती लोग जाते हैं, ठंडी में अक्सर जाते रहते हैं, गर्मी में नहीं जाएंगे। गर्मी में ड्राइवर को सामान लेके भेज देंगे, ऊँट का चेहरा ड्राइवर को ले जाना पड़ेगा। जो वहाँ पे आदमी काम करते हैं उनका भी राशन पानी ड्राइवर ही लेके जाएगा। जाकुर घर से दूर है, करीब 40 से 50 किलोमीटर। जाकुर में जानवर पाले हैं, कबूतर बाज मुर्गी भेड़ बकरी ऊँट, ये जानवर वहाँ पाले हैं। वहाँ पर आदमी रखे होते हैं, आदमी यहाँ अपने इंडियन पाकिस्तानी बंगाली सूडानी अफ्रीकन, ये आदमी वहाँ काम करते हैं, राशन पानी कपिल पहुँचवा देता है, महीना पूरा होता है सैलरी भिजवा देता है, कभी खुद जाता दे आता है, कभी ड्राइवर के हाथ से भिजवा देता है। तो हम अभी आ चुके हैं जाकुर में, ये जाकुर की सड़कें हैं, यहाँ रेगिस्तान है, ये एरिया पूरा रेगिस्तान है, यहाँ पे रेत ही रेत मिलेगी, घर आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। घर आपको यहाँ 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आसपास नहीं मिलेंगे, यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता, पानी जो है टैंकर से जाते हैं। यहाँ फ्रेश पानी अरब कंट्री में नहीं है, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ टैंकर से पानी जाता है जाकुर। जाकुर में पानी ख़त्म होता है फिर वो फ़ोन करते हैं, टैंकर बुलाते हैं, ये देखिए टैंकर जा रहा है पानी लेके। जाकुर में ऐसी टंकी धरी होती है, ये टंकी वहाँ धर देगा, वहाँ से दूसरी टंकी खाली उठा लेगा। पानी ख़त्म होता है उससे पहले टैंकर पहुँच जाते हैं, फ़ोन नंबर होता है फ़ोन करते हैं तुरंत लेके जाते हैं। इसका पैसा भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं फ्री है। सीधा हम चलते हैं जहाँ पे ऊँट चराए जाते हैं, उनका देखभाल होता है। दोस्तों हम अभी आ चुके हैं, ये देखिए ऊँट, ये है कुवैत का ऊँट पालन। यहाँ पर भेड़ बकरी ऊँट जानवर पाले जाते हैं, इसी तरह बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर छोड़ देते हैं ताकि बाहर न जाए। ये हरियाली खुद से बनाई है, देखिए तार बांधा हुआ है। कुवैत में इतनी हरियाली नहीं है, घास फूस नहीं है, तो ऊँट को यहाँ चराते नहीं हैं, सुबह सुबह 2 घंटा घुमाते हैं, 2 घंटा घुमाने के बाद फिर ले आते हैं बाउंड्री के अंदर, यहीं पे घास देते हैं पानी देते हैं, बाहर हरियाली नहीं है। देखिए इधर पहाड़ी इलाका है, कहीं ऊंच कहीं नीचा,
ये देखिए, ये पूरा ऊंट पालन है, आपको मैं दिखाता हूँ आगे चल के। ये देखिए ऊंट पालन, जहाँ ऊंट पाले हैं उनका घर है ये। ऐसे टंकी धरी होती है पानी की, टंकी पानी खत्म हुआ वो आएगा, एक टंकी उठा ले जाएगा, दूसरी टंकी धर जाएगा। ये देखिए ऊंट, ये पूरा इलाका जानवरों का है। यहाँ पे कबूतर पाले जाते हैं, बाज पाले जाते हैं, बकरी, भेड़ी, मुर्गी। इस एरिया में कुवैती लोग बहुत कम आते हैं। कुवैत में अच्छा ऊंट पालन बनाया है, सऊदी जैसे नहीं है। सऊदी में पेड़ के नीचे जंगलों में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं। कुवैत में ऊंट पालन अच्छा बनाया हो। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।